करने वाले हैं जावा में इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जावा में जो इनहेरिटेंस होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो अपने पेरेंट क्लास की जितनी भी विशेष मतलब कि वेरिएबल्स मेथड्स फंक्शंस ये सारी चीज़ें एक्सेस करती हैं, मतलब जो पेरेंट के प्रॉपर्टीज होते हैं पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज वो सारी चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज में एक्सेस होती हैं। कैसे होता है ये देखिए, ये हो गया एक मान लीजिए पेरेंट क्लास, ठीक, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सब इस चाइल्ड क्लास में आएंगी, ठीक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो होता है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, तो ये जो क्लासेस होती हैं तो पेरेंट क्लास की सभी प्रॉपर्टीज ये चाइल्ड क्लास एक्सेस करती है, ठीक। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आपको मैं एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ कि इनहेरिटेंस होता क्या है वास्तव में। तो इनहेरिटेंस कुछ इस तरह से होता है कि जिस तरह से हम अपना उदाहरण लेते हैं कि अपने जो दादाजी होते हैं दादाजी के कुछ गुण हमारे पिताजी में होते हैं, और जो पिताजी के गुण हैं और दादाजी के वो दोनों लोगों की गुण हम में आ जाती हैं, ठीक। और हमारी जो प्रॉपर्टीज होंगी हमारी जो गुण होंगे वो हमारे बच्चों में जाएंगे, ठीक। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उसे हम इनहेरिटेंस के थ्रू समझ सकते हैं। तो इनहेरिटेंस भी कुछ इसी तरह से करता है जो हमने अभी उदाहरण दिया कि जो पिताजी का गुण होता है वो पुत्र में आता है, पुत्र का उसके पुत्र में, पुत्र उसके पुत्र के उसके पुत्र में, तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इसी तरह से इनहेरिटेंस में जो सुपर क्लास होती है, सुपर क्लास यानी पेरेंट क्लास कह सकते हैं उसे, तो पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होती हैं और वो चाइल्ड क्लास में आती है, ठीक, उसे सब क्लास भी कहा जाता है। और उसी तरह से बहुत सारे होते हैं, चाइल्ड क्लास भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, पेरेंट क्लास भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं इनहेरिटेंस में। अब हम आज बात करने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। तो सिंगल इनहेरिटेंस को इस तरह से समझेंगे, जैसे हमने ये बनाया था, ठीक। तो सिंगल इनहेरिटेंस देखिएगा, सिंगल इनहेरिटेंस, तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है दोस्तों कि ये जो कि गुण होते हैं, ठीक, कैसे ये देखिएगा, मैं क्लास के थ्रू जावा में प्रोग्रामिंग के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे और कैसे वो आउटपुट हमारा एक्सेस कर सकता है, ठीक। ये सिंटैक्स है क्लास, यहाँ पर होगा इसकी क्या एक क्लास की डिफिनेशन होगी, ठीक। अब इस क्लास के जितने भी गुण होंगे, इसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, ठीक। अब हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया कि क्लास कैसे बनाते हैं और साथ में उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, सारे हमने पिछले ट्यूटोरियल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब हम ये क्लास हम लेते हैं बी, जो क्या करेगा, इनहेरिट करेगा एक, तो किसके थ्रू, स्टूडेंट्स कीवर्ड के थ्रू। इस कीवर्ड्स का मीन्स होता है कि हम इस क्लास की यानी सुपर क्लास एक क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सारी स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे हम डिफिनेशन देते हैं क्लास बी की, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट बना, मेन फंक्शन बना के ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बस आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरह से हम सिंगल इनहेरिटेंस को समझ सकते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस वास्तव में बनाते क्यों हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस बनाने का सिर्फ ये पर्पज होता है कि जो पेरेंट क्लास होता है तो पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो चाइल्ड क्लास में आता है, चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सके, एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास की भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अब हम जैसे कि हमने जाना कि इनहेरिटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक, तो उन पांचों प्रकार को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। आज हमने क्या जाना कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। अब हम अगले ट्यूटोरियल में सिंगल इनहेरिटेंस के आगे का मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल, हाइब्रिड सभी पढ़ेंगे।
ठीक। और हमने जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ कि जो इंटरफेस का यूज होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए ही यूज होता है। जैसे कि C++ में क्या होता है कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक, वो कॉन्सेप्ट C++ में चलता है, वो चीज़ यूज करता है C++, लेकिन जावा वही चीज़ को यूज नहीं करता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इंटरफेस का यूज करना पड़ता है, ठीक। और इंटरफेस हम बनाते हैं, और इंटरफेस कुछ अलग नहीं होता है, क्लास की तरह ही होता है। जिस तरह से हम क्लास डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से इंटरफेस डिक्लेयर करते हैं, ठीक, उसी तरह से डिफाइन करते हैं, उसी तरह से डिफिनेशन देते हैं, सारी चीज़ें वही, बस कीवर्ड्स चेंज होते हैं। यहाँ क्लास कीवर्ड होता है और वहाँ पे इंटरफेस कीवर्ड्स यूज होते हैं। तो इसी तरह से हम क्लास और इंटरफेस बना सकते हैं, और वेरिएबल्स, मेथड्स, सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट सेम उसी तरह से बनती जाती हैं, ठीक। और इंटरफेस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट्स करते हैं। जब हम एक इंटरफेस को, मतलब सुपर इंटरफेस को उसके चाइल्ड इंटरफेस में एक्सटेंड करते हैं, ठीक, तो क्या होता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का यूज होता है। लेकिन जब इम्प्लीमेंट्स करते हैं, मतलब कि जब हम एक इंटरफेस को क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स की यूज करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले ट्यूटोरियल के साथ।